नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। आप सभी व्यक्तियों के लिए एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में तीसरी किस्त के 1-1 हज़ार रुपये सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और किन किन महिलाओं को यह लाभ दिया गया है उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, इस समय हम आपको सीधे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्विटर हैंडल पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज रीवा से मध्य प्रदेश की यानी कि 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की तीसरी किस्त हस्तांतरित की। यानी कि 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में 1-1 हज़ार रुपये एक क्लिक के माध्यम से ही ट्रांसफर कर दिए गए हैं, उनको ये लाभ मिल चुका है। अब यदि आप भी मध्य प्रदेश राज्य के अधीन आने वाली महिला है और आपने भी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत आवेदन कराया हुआ था तो आपके बैंक खाते में भी 1-1 हज़ार रुपये पहुंच चुके होंगे। आप अपनी पासबुक को अपडेट कराकर देख सकते हैं, चेक कराकर देखिए एक बार, आपको ये लाभ मिल चुका है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।